नमस्ते, माय नेम इज़ राधिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट मेडिटेशन। Meditation is very ancient practice, but nowadays it is becoming popular because of its various benefits. So, बहुत से लोगों को लगता है कि meditation is like एक जगह बैठना और एक जगह concentrate करना और meditation बहुत hard होता है। ये बहुत सारे myths हैं meditation के बारे में, but meditation is not this, meditation is more than that. So, आज हम बात करेंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में कि meditation के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए meditation स्टार्ट करने से पहले। सो पहली जो चीज़ है वो है टाइम। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर टाइम। आप कभी भी मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आपको लगे कि हाँ आप अपने 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन को दे सकते हैं, आप उसी समय स्टार्ट कर सकते हैं। सो दूसरी जो चीज़ है वो है जगह। जगह के लिए हमको थोड़ी पीसफुल जगह चाहिए, जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जहाँ बहुत ही शांति हो, जहाँ आप अपने 15 मिनट दे सकते हैं इजीली। मतलब आप वहाँ पे बैठ के आपको कंफर्टेबल फील हो। तो कोई क्लीन प्लेस देखिए जहाँ पे आप रोज़ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। तो तीसरी जो चीज़ है वो है क्लोथ्स। तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के मेडिटेशन करना है। हो सके तो आप कॉटन के क्लोथ्स पहन के मेडिटेशन करें। आपको बिल्कुल टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, जीन्स वगैरह ये सब आपको अवॉइड करना है। लोअर टी शर्ट आप पहन सकते हैं या फिर कोई भी पैंट्स, कॉटन पैंट्स वगैरह आप पहन सकते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन और आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेडिटेशन, जैसे कि बेसिक मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन, चक्रा, विपासना, साउंड मेडिटेशन। तो बहुत सारे टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं। तो आप चूज़ कीजिए कि आपको कौन से तरीके का मेडिटेशन करना है। बट एज अ बिगनर मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो गाइडेड मेडिटेशन होता है वो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि हाँ अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है। तो बिगनर्स के लिए गाइडेड मेडिटेशन बहुत अच्छा है। और अगर आप पहले भी मेडिटेशन कर चुके हैं या आप थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप कोई से भी तरीके का मेडिटेशन चूज़ कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेडिटेशन करने से पहले। तो आप एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें मेडिटेशन से पहले। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी थोड़ी खुल जाएगी, स्टिफनेस बॉडी में नहीं रहेगी, तो आप कंफर्टेबली एक जगह बैठ पाएंगे कुछ देर तक। आपके बैक में पेन होता है जब आप स्ट्रेचिंग नहीं करते और फिर डायरेक्ट मेडिटेशन करते हैं। तो आपको कोशिश करनी कि आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके और फिर आप मेडिटेशन करें, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और मेडिटेशन करते टाइम अगर आपको पेन होता है तो आप ढंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसलिए आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ बेनिफिट्स। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मेंटल बेनिफिट्स के साथ साथ फिज़िकल बेनिफिट्स भी है। ये आपकी हेल्प करता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में, आपकी नींद प्रॉपर आती है अगर आप मेडिटेशन अच्छे से करते हैं तो, आपकी स्लीपिंग प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इस टाइम पे कोरोना चल रहा था और बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, तो अभी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो रही है, तो मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है आपको ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में। मतलब आपके टफ से टफ सिचुएशन को आप कैसे इजीली मैनेज करते हैं, मेडिटेशन उसमें बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में, अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को डील करने के लिए। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज टॉलरेंस एंड पेशेंस इन यू एंड डिक्रीज योर नेगेटिव इमोशंस लाइक सैडनेस, एंगर एंड मैनी अदर इमोशंस ऑल्सो। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है मेडिटेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक गाइडेड मेडिटेशन का पूरा वीडियो दूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।